चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से बातचीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, आपसी विवाद को झगड़े की वजह नहीं बनने देंगे। उन्नाव रेप पीड़िता के साथ हुए सड़क हादसे में सीबीआई ने पहली चार्जशीट फाइल की। चार्जशीट में आरोपी विधायक कुलदीप सेंगर और उसके सहयोगियों के खिलाफ हत्या का कोई आरोप नहीं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए शिवसेना का घोषणा पत्र जारी। उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे और प्रियंका चतुर्वेदी ने घोषणा पत्र जारी किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जीएसटी में खामी की बात स्वीकारी, कहा इसमें सुधार के लिए टैक्स एक्सपर्ट्स मदद करें। दिवाली से पहले दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण बढ़ा, करनाल और उसके आसपास के किसानों ने पराली जलाना शुरू किया। औद्योगिक उत्पादन के मोर्चे पर अर्थव्यवस्था को तगड़ा झटका, अगस्त में औद्योगिक उत्पादन 1.1% घटा। 1965 में अंतरिक्ष में पहली बार वॉक करने वाले सोवियत अंतरिक्ष यात्री एलेक्सी लेनोव का 85 साल की उम्र में निधन। वर्ल्ड महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत की मैरी कॉम सेमीफाइनल मुकाबले में हारी, ब्रॉन्ज मेडल मिला। और पुणे टेस्ट के तीसरे दिन पहली पारी में दक्षिण अफ्रीका का 6वां विकेट गिरा, फॉलो ऑन का खतरा मंडराया।